अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस द नंबर थ्योरी कॉन्सेप्ट्स फॉर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। एंड प्लीज नोट डाउन द बुक रेफरेंस नंबर, दैट इज चैप्टर नंबर 4 and 8 फ्रॉम विलियम स्टॉलिंग एंड चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम बेरोज़ फ़िरोज़न। सो आज के एजेंडे में हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में हमने क्या चीज देखी थी, और आज हम देखेंगे कि दो जो है वो बेसिक नंबर थ्योरी कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, जिसमें हम एक तो मॉड्यूलर अरिथमेटिक देखेंगे, साथ ही साथ यूक्लिडियन एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग द जीसीडी ऑफ लार्ज नंबर्स एंड एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये दो हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। सो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी आप सबको पता होनी चाहिए, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि हमें इनक्रिप्शन के लिए और की चाहिए होगी और डिक्रिप्शन के लिए और की चाहिए होगी, और एक की को हम पब्लिक की कहते हैं, दूसरे को प्राइवेट की कहते हैं। तो ये चीजें हमने जो है वो प्रीवियस क्लास के अंदर देखी थी। सो लेट स्टार्ट विद टूडेज लेक्चर। जीसीडी आपने स्कूल में पढ़ा होगा। जीसीडी स्टैंड फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दैट इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन नंबर थ्योरी। अब दो नंबर्स हैं, उन दो नंबर्स को आप उन दोनों नंबर्स में से जीसीडी फाइंड करना चाहते हैं, यानी ऐसा कॉमन डिवाइजर जो ग्रेटेस्टली डिवाइड करेगा दोनों नंबर्स को। जैसे कि आप 60 और 12 देख रहे हैं, तो 12 एक ऐसा लार्ज नंबर है जिसने इन दोनों को डिवाइड किया। सो अगर तो आपके पास छोटे नंबर्स हैं तो आप आसानी से इसको मालूम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो फिर हमें जो है वो इस तरीके से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, यानी दोनों के मल्टीपल्स लिखकर और फिर जो भी ग्रेटेस्ट मल्टीपल होगा हम वो लिखते, तो ऐसे जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए हमें एल्गोरिदम दिया गया है जिसका नाम है यूक्लिडियन एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग द जीसीडी, एंड दैट इज एन एफिशिएंट वे टू फाइंड द जीसीडी बिटवीन टू नंबर्स। यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर दिस लाइन, दैट इज जीसीडी ऑफ ए एंड बी। तो आपको एल्गोरिथम के मुताबिक जी सी डी लिखना पड़ेगा, बी एंड ए मॉड बी लिखना पड़ेगा। ये वाली लाइन आपने जहन में रखनी है, क्योंकि आगे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल कराने लगी हूँ जिसमें ये वाली जो लाइन है ये हमारी काफी हेल्प करेगी। सो एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गो कहता क्या है कि आपने कंप्यूटेशन के लिए ये इसका एल्गो लिखा हुआ है कि यूक्लिडियन फॉर ए एंड बी, आपने ये तब तक करते रहना जब तक बी की वैल्यू जीरो नहीं आती। अगर जीरो आ जाती है तो उसको रिटर्न कर देंगे हम ए। अदरवाइज जो है वो आपने ये तब तक करते रहना है जब तक हमारे पास बी जीरो या बी वन नहीं हो जाता। रिटर्न करेंगे तब तक जब तक के बी एंड ए मॉड बी को हम कैलकुलेट करते रहेंगे। तो लेट्स कंसीडर वन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर दो नंबर्स हैं, लार्ज नंबर्स, वन इज 1970 एंड अदर इज 1066। सो हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, एक एक लाइन को समझते हैं। एक दो लाइनें आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या है। ये वही चीज़ें जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी, जो कि प्रीवियस में यहाँ पर लिखी हुई हुई है, बी एंड ए मॉड बी जी सी डी हमने यहाँ पर ये लिखना है। सो दिस इज क्यू, क्यू बी प्लस आर, ये आपने याद रखनी है कोटेशन, क्यू बी प्लस आर। इसको भी कैलकुलेट करने से पहले सिर्फ ये दो बातें आपने जहन में रखनी है। व्हाट इज क्यू, क्यू इज क्वोशन, आर इज फॉर रिमाइंडर, बी इज द अदर नंबर। सो इन दिस एग्जाम्पल लेट्स कंसीडर दैट 17970 इज ए एंड 1066 इज बी। ये ए और बी ये दो नंबर्स हैं। सो सबसे पहले आपने ये करना है कि इन दोनों को डिवाइड कर लेना है। सो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1970 एंड 1066 जो है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो वन से ही हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वन वट एवर जो भी आए, लेकिन माइनस करने के बाद यहाँ पर हमारे पास बचेगा 904 1066। ठीक है, तो अब आपने ये जहन में रखना है कि जो भी कोशेंट है वो हमारा यहाँ पर लिखा होगा, इसको हम क्यू बोलेंगे, दिस इज आर एंड दिस इज बी, ये जो बाहर नंबर लिखा होगा इसको हम बी कहेंगे।
सो यहाँ पर हमने लिख दिया q, क्यू बी प्लस आर दैट इज इक्वल टू a, a की वैल्यू यहाँ पर लिख देनी आपने, यानी a इज इक्वल टू q b प्लस आर, इस कोटेशन में लिख दिया। अब क्या होगा कि जो हमारे पास जो GCD बन जाएगा वो b की जगह पे हम a की जगह पे b लिख देंगे जो प्रीवियस वाला होगा यानी 1066, और यहाँ पर हमारा a मॉड b का जवाब आ जाएगा। यानी मैंने जो भी अभी थोड़ी देर पहले नोट करवाया था कि GCD b कोमा a मॉड b, सो मैंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख दिया। तो अब हमने देखा कि पहली लाइन तो हमें समझ आ गई, फिर नेक्स्ट टाइम में आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों को डिवाइड कर देना है क्योंकि अब ये ए बन चुका है, ये बी बन चुका है। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अगेन वन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर में 162 बच जाएगा। आप एक चीज देखते जाएं कि सारी एग्जाम्पल के अंदर जो बी होगा वो नेक्स्ट टाइम के लिए ए बन जाएगा, आप ये देख रहे हैं एंड तक, ठीक हो गया। और आपने ये चीज करते रहना है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कोशेंट लिखते जाना है जिससे आपने डिवाइड किया, तब तक जब तक के हमारे पास जो a mod b की वैल्यू जीरो नहीं आ जाती, ठीक है। अगर यहाँ पे जीरो या वन आएगी, अगर वन आता है तो आप कह सकते हैं कि इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करता, या कोई बड़ा नंबर ऐसा नहीं है जो कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा। लेकिन है, हम देखते हैं कि इसका इसका जवाब क्या होगा। GCD जो होगा वो एक्चुअली 2 होगा, जो भी यहाँ पर आपके पास B आया होगा वही इसका जवाब होगा, यानी इसका जवाब होगा 2। तो इस तरीके से ये सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हुआ है। दैट इज रियली सिंपल, आप लोगों ने पहले स्कूल वर्क में भी देखा होगा, सिर्फ आपको दोबारा से याद कराने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिख दी है। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, यूक्लिडियन अल्गो कहता है कि एक और एग्जांपल, हमारे पास काफी बड़े दो लार्ज नंबर हैं और आपने ये देखा कि इन दो लार्ज नंबर को सिर्फ 10 स्टेप्स की मदद से हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास जो है वो हमारा हमारी इसका जवाब आ गया, दैट इज 1074। सो वही फार्मूले आपने करते जाना है, R1 R2। लेट्स यू शुड ट्राई दिस बाय योर ओन सेल्फ, आपने खुद से इसको देखना है। साथ ही साथ मैंने कुछ एक्सरसाइजेस यहाँ पर लिखी हैं। एक एक्सरसाइज है विलियम स्टॉलिंग बुक की, जो जीसीडी दो नंबर्स का फाइंड करना है, बिरोज फिरोजन के चैप्टर 2 में ये दो क्वेश्चंस हैं जिनको आपने सॉल्व करना है। सो आपने इन चारों क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करें। अब आगे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है मॉड्यूलर अरिथमेटिक ऑपरेशंस का। कुछ चीजें तो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि मॉड कैसे लिया जाता है, क्विकली रिवाइज भी कर लेते हैं। आप सपोज मेरे पास 5 mod 3 होगा तो आपने क्या करना है, इसका जवाब 2 आ जाएगा, यानी डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर बचता है। अगर मेरे पास यहाँ पे 3 mod 5 होता है तो आपको ये बात भी याद है कि हमने कहा था कि जो भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा एज इट इज उठा कर हमने यहाँ पे रख देना। इसी तरह मैंने आपको माइनस वाले भी बताए थे, साइक्लिक फ्रैक्शन के अंदर हम किस तरह ऐड करते जाएंगे, ये सारी चीजें मैं आपको शुरू के लेक्चर्स में समझा चुकी हूँ। सो इसमें हम हमारे पास जो चीज देखने वाली है वो ये है कि हम मॉड्यूलर अरिथमेटिक के अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं एक मॉड्यूलर रिड्यूस आंसर के लिए। और हमेशा जितने भी मॉड्यूलर अरिथमेटिक के फंक्शन होंगे वो जेड एन यानी 0 से लेके n-1 तक हमारे पास उसके फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज बनेंगे। यानी देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास मॉड 25 है तो हमारे पास 25 के अंडर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी उसका पार्ट होगी। सो ये वाला अभी मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी मॉड एन इज इक्वल टू a का मॉड b से मॉड n अलग ले लें, प्लस b का मॉड n अलग ले लें और टोटल का मॉड n अलग ले लें, ये भी अरिथमेटिक ऑपरेशन होंगे मॉड्यूलर अरिथमेटिक के। इसी तरह मैंने आपको बताया था माइनस भी आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये सारे a प्लस बी मॉड एन, a माइनस बी, a मल्टीप्लाई भी मॉड एन, और ये अलग अलग आप लेके ये स्टेटमेंट्स हम डिस्कस कर चुके हुए हैं और इनके तीनों की एग्जांपल्स जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा। दैट इज रियली रियली सिंपल, आपने सिंपल एड सब्सट्रैक्ट को मल्टीप्लाई करके मॉड ले लेना है स्पेसिफिक नंबर के अंदर। अगली जो चीज़ है वो ये है कि जब भी हम मॉड की बात करते हैं तो एक फील्ड क्रिएट होती है, फील्ड डेवलप होती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो एक फील्ड डेवलप हुई है वो है मॉडुलो
एट एडिशन एग्जाम्पल, ये एडिशन की एग्जाम्पल है। अब फील्ड का मतलब ये है कि हमारे पास जो मॉड 8 बनेगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मॉड 8। पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू 0 से लेंगे 7 तक के दरमियान में जितनी भी वैल्यूज हैं वही इस मॉड की फील्ड का हिस्सा होंगी। सो इसको करने का तरीका क्या है? सिंपल सी चीज़ ये है कि आपने 0 से लेके 7 तक नंबर्स यहाँ पे रो में भी लिख देने हैं और हमने कॉलम में भी लिख देने हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हुए। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन सारे नंबर्स को जो है वो ऐड करते चले जाना है। 0 प्लस 0 यानी 0 में सब चीजें ऐड करेंगे वही आ जाएगा, 1 में ऐड करेंगे तो हमारे पास एक एक नंबर ऐड होता जाएगा। आप देखें 7 प्लस 1, अब हमारे पास यहाँ पर 8 आ गया। सो 8 यहाँ पर हम नहीं लिख सकते, जो भी वैल्यू यहाँ पर लिखी होगी आपने उसको 8 से माइनस कर देना है। तो जो भी वैल्यू 7 से बड़ी होती जाएगी आपने उसको 8 से माइनस करते चले जाना है। तो यहाँ पर आपने देखा 0 आ गया, 2 को 0 से प्लस करें 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि 6 प्लस 2 यानी इन दोनों को मैंने ऐड किया, 6 और 2 को 8 बन गया, 8 माइनस 8 0। 2 प्लस 7 7 8 9 और 9 जो है वैसे मुझे 8 माइनस करना है तो दैट इज इक्वल टू 1, इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 लिखा हुआ है। लेट्स ट्राई अनदर नंबर, फॉर एग्जाम्पल वी हैव हेयर 5 एंड 7। सो 7 प्लस 5 12, 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। तो जितने भी नंबर 7 से बड़े होते चले जाएंगे हमने 8 में से उसको माइनस करते चले जाना है। सो ये चीज आपने जहन में रखनी है। इस पूरी फील्ड को क्रिएट करने से हमें ये पता चल गया कि जितनी भी वैल्यू होती है मॉड के अंदर वो 8 से छोटी होगी, यानी 0 से लेकर 7 तक वैल्यूज होगी। सो स्टूडेंट, जिस तरीके से आपने मॉडुलो एडिशन एग्जाम्पल देखी है, सिमिलरली आपको मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन एग्जाम्पल भी बनी हुई है। आपने जैसे सम में देखा उसी तरह यहाँ मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पर है 3 और 3 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ 18 आ जाएगा, तो 18 माइनस 8 इक्वल टू 10, अभी भी बड़ी वैल्यू है। फिर 10 माइनस 8 2, तो ये आपने तब तक करते जाना है जब तक कि वैल्यू जो है वो 8 से छोटी ना हो जाए, इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। सो फील्ड हमें डेवलप करनी आ गई है और आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि हमारे पास जो मॉडल हो मल्टीप्लीकेशन एडिशन और मॉड जो है वो कैसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। सब आगे देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं मॉड की, जिसमें आपने स्कूल में भी देखी होंगी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, आइडेंटिटिव है एंड एडिटिव इनवर्स है। सो अब ये प्लस मल्टीप्लिकेशन के लिए डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई, अगर ये इस तरह से फाइंड आउट करें दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई। सिमिलरली ये सारे जो फंक्शन हैं ये हमें प्रॉपर्टीज मॉड्यूलर अरिथमेटिक की ट्रू होती हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास एल्गोरिदम है वो है एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम। आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज ये बात करा दूं कि मैंने शुरू में जब हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि हमने इनवर्स लेना है किसी भी नंबर का। सपोज मैंने आपको कहा था कि ए इनवर्स मॉड एन लेना है, तो आपको करना क्या है, ए को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि कॉन्ग्रेंट होगा वन मॉड एन के। यानी कि ए को जब आप एन से एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाई जो है एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम एन से डिवाइड करें तो जवाब में वन आए। सो आपने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी भी होंगी और होपफुली आपको ये बात समझ भी आ गई होगी, मगर छोटे छोटे नंबर्स तो हम फौरन से कर सकते हैं, लेकिन जब बड़े नंबर्स होंगे तो हमारे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम इसका इनवर्स फाइंड करें। सो इसीलिए हमारे पास एक एल्गोरिदम है दैट इज एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम, जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड करने के लिए चाहिए होता है।
जीसीटी अगर इम्पोर्टेंट चीज आपने ये नोट डाउन करनी है स्लाइड में, वो ये है कि जीसीटी ए बी अगर वन के बार वन होगा तो ही इनकी वैल्यूज जो है वो एक दूसरे का इनवर्स होंगी। ये चीज हमें अच्छे से समझ आ गई है। सो एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम थोड़ा सा डिफरेंट है कंपैरेटिवली टू द प्रीवियस एल्गोरिदम जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गो में क्या है कि आपने जिन दो नंबर्स का इनवर्स लेना है वहां पर आपको छह वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कराने, ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री, और ए वन की वैल्यू वन होगी, ए टू की वैल्यू जीरो, और ए थ्री में जो भी एम लिखा होगा हम लिख देंगे, बी वन बी टू बी थ्री के लिए जीरो, बी वन की वैल्यू जीरो होगी, बी टू की वन होगी, बी थ्री में जो भी बी लिखा होगा वो यहाँ पे लिख देंगे। अगर बी थ्री की वैल्यू जीरो आ जाती है तो आपने कह देना नो इनवर्स, क्योंकि अभी पिछली स्लाइड में ही आपको ये बताया गया है कि इनका जीसीडी वन होना जरूरी है। तो अगर बी थ्री जो है वो जीरो है तो ये दोनों आपस में प्रॉपरली डिवाइड हो गए हैं, इस वजह से इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। हमने अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो हमने नो इनवर्स कह देना है। अगर बी थ्री की वैल्यू यानी यहाँ पर बी की जगह वन आता है तो हमने रिटर्न कर देना है जीसीडी एम एंड बी, और बी टू के अंदर हमने इसका इनवर्स फाइंड आउट कर लेना है। क्यू हमेशा, क्यू इज अनदर वेरिएबल, अभी छह वेरिएबल आपको ये बताए गए हैं, सातवां वेरिएबल क्यू है। क्यू इज इक्वल टू ए थ्री डिवाइडेड बाय बी थ्री, यानी कोशेंट होगा इन दोनों को डिवाइड करने के बाद। और फिर हमारे पास तीन नए वेरिएबल्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया, दैट इज टी वन टी टू टी थ्री। टी वन इज इक्वल टू ए वन माइनस क्यू बी वन, टी टू जो है वो ए टू माइनस क्यू बी टू के बराबर होगा, टी थ्री जो है वो ए थ्री माइनस क्यू बी थ्री के बराबर होगा। और जाते जाते ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री के बराबर हो जाएंगे, और बी वन बी टू बी थ्री जो है वो टी वन टी टू एंड टी थ्री के बराबर होगी। तो इस एल्गोरिदम के अंदर के मुताबिक हमें हम इसको एक एग्जांपल करके देखेंगे, फिर हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि इनवर्स फाइंड करने का असल तरीका क्या है। सो हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है 550 का इन गेलियस फील्ड या इन मॉड 1750, यानी मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ ये क्या है, 550 इनवर्स मॉड 1759। अब हमें ये बात पता है कि बहुत ही मुश्किल होगा हमारे लिए कि 550 को किसी ऐसे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो है वो वन आ जाए 1759 से डिवाइड करके। तो अब काफी मुश्किल चीज़ है ये इसको फाइंड आउट करें, तो इसीलिए हमें जो एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गो है वो हमारी हेल्प करेगा इसको सॉल्व करने के लिए। सो अब करना क्या है, आपने करना ये है कि हमने जो सिक्स वेरिएबल्स आपको थोड़ी देर पहले बताए गए थे वो था क्यू, ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू एंड बी थ्री। सो ये वाला जो आपके सामने वेरिएबल्स हैं ये एल्गो के अंदर डिफाइन है। आपने इस तरह से कॉलम क्रिएट कर लेने हैं, और कॉलम क्रिएट करने के बाद आपने इस तरह से वेरिएबल्स लिख लेने हैं। तो फर्स्ट इनिशियली आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, आपने यहाँ पे डैश लगा देना है क्योंकि शुरू में कोई कोशेंट नहीं होगा। इसके बाद आपने ये करना है, आपने कहना है ए वन की जगह पे उन्होंने कहा था ये हमेशा आएगा वन जीरो, और बी वन बी टू की जगह आएगा जीरो वन, जीरो एंड वन, हमेशा आपने यही चीज करनी है। सो अगली चीज जो है वो ये यहाँ पर आपको बताई गई थी, लिखा यहाँ पे आपने लिखना है जो भी जीसीडी या मॉड फाइंड आउट करना है, जो भी नंबर यहाँ पर लिखा होगा आपने एज इट इज यहाँ पर लिख देना है, दैट इज 1759। और जो भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 550 वो यहाँ पर आपने लिख देना है। तो पहला स्टेप तो हमारा बहुत ही सिंपल था, हमने पहले लिखा हुआ है ये वेरिएबल्स लिखे, और ए वन शुरू में 10m एंड 01 एंड बी के बराबर था, हमने ये नंबर्स लिख दिए हैं। सो लेट मी राइट इट अगेन। ओके, अब अगली चीज है जो नेक्स्ट स्टेप अगर आपको समझ आ जाता है तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अब आपने इन दोनों नंबर्स को जो है वो कर देना है पहले तो डिवाइड, ठीक है, 1759 डिवाइडेड बाय 550। तो अगर मैं 550 को 3 से
मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बचेगा 1, 0 एंड 9। इसको कैलकुलेट करके देख लें। वन जीरो नाइन। सो ये चीज सारी अपने जहन में रखें और अब हमें नेक्स्ट जो स्टेप है वो करने लगी हूँ। क्यू जो हमारा है वो हमेशा जो क्वोशंट आएगा यहाँ पर हमने वो लिख देना है, दैट इज थ्री। तो थ्री यहाँ पे लिख दिया। अब आपने आपको याद होगा कि इन्होंने लिखा हुआ था कि a1 a2 a3 विल बिकम b1 b2 b3। यानी आपने जो नेक्स्ट लेन होगी उसमें पहला काम तो ये करना है कि जो भी b1 b2 b3 की वैल्यूज होंगी वो एज इट इज आपने a1 a2 a3 की जगह पे लिख देनी है, यानी कि 0 1 550, कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी। ओके सो अब हमारा जो अगला काम है वो ये है कि हमने b1 b2 और b3 कैलकुलेट करना है। b1 b2 b3 को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने कहा था कि जो b1 b2 b3 है दैट विल बिकम t1 t2 एंड t3। b1 b2 b3 विल बिकम t1 t2 t3 एंड t3। ठीक है, ये वाली चीज हमें समझ आ गई। तो t1 जो है वो बराबर है a1 माइनस q b1 के, a1 माइनस q b1 के। इसी तरह t2 बराबर होगा a2 माइनस q b3 होगा a3 माइनस q b3। यहाँ पर एक चीज जो आपने ध्यान से देखनी है वो ये है कि हमारे पास जो a1 है ये हमने प्रीवियस वाला लेना है और b1 जो होगा वो भी हमने प्रीवियस वाला लेना है, लेकिन जो क्वोशंट होगा वो हमने एग्जिस्टिंग रो वाला लेना है, एग्जिस्टिंग रो वाला। सो अब हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं हमारे एग्जाम्पल के मुताबिक क्या बनता है। ये हम जो एग्जाम्पल कर रहे हैं इसको मुझे दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज 550। ओके सो फॉर फाइंडिंग द b1 दैट इज नाउ बिकम t1 फॉर द नेक्स्ट कैलकुलेशन। तो t1 बराबर है a1 माइनस q b1। सो a1 जो प्रीवियस वाला है वो यहाँ पे है 1, तो हमने लिख देना 1। माइनस q जो अभी वाला है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 लिख देना है। और b1 भी आपने प्रीवियस वाला लेना है, यानी a1 b1 प्रीवियस वाला लेना है। तो b1 यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 0, तो जब हम इसको सारे को कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 1। सो इसका मतलब ये है कि b1 की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह हम b2 को कैलकुलेट कर लेते हैं। b2 अब जो है वो t2 बन जाएगा। तो t2 को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a2 माइनस q b2। a2 भी प्रीवियस वाला हम देखेंगे वो क्या है, यहाँ पे 0, सो 0 लिख देंगे। माइनस क्यू 3 ही आ जाएगा। और b2 जो प्रीवियस वाला था वो था 1, जब हम इसको सॉल्व करेंगे दैट विल बी इक्वल टू -3, तो हम यहाँ पर -3 लिख देंगे। अब आगे हमारे पास ए जो है वो a3 को हमने t3 को फाइंड आउट करना है, यानी b3 कैलकुलेट करने के लिए t3 इज इक्वल टू a3 माइनस q b3। ठीक है जी, a3 हमारे पास प्रीवियस वाला है दैट इज इक्वल टू 1759। माइनस क्यू इज इक्वल टू 3 एंड दैट इज इक्वल टू 550। जब आप इस सारे को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 109, 109। अगर अगर आपको याद हो तो हमने इन दोनों को जब डिवाइड किया था तो रिमाइंडर 109 आया है। तो आप b3 के लिए आपको कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है, जब आप इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो जो भी जवाब आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, आप उसे कैलकुलेट किए बगैर b3 की जगह पर लिख सकते हैं।
सो स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास होगी नेक्स्ट लेन। अब नेक्स्ट लेन के लिए हमारे पास दो नंबर है, एक है 550, मैं इसको कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको जहन में रहे, 550 और 109। हमने इन दोनों को डिवाइड करना है और हमारे पास जो भी जवाब आएगा वो हमने आगे शेयर करना है। सो ये पूरी एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व हुई हुई है, आप देख लें कि हमने इसको किस तरीके से सॉल्व किया है। यहाँ पे 10 A3, B1, B2, B3 जो है वो क्या बन गए थे, T1, T2, T3, T1, T2, T3 एंड T3। और आपको पता है इन तीनों को कैलकुलेट करने के लिए हमें T1 के लिए हमें करना था A1 माइनस क्यू B1, और वो T2 को कैलकुलेट करने के लिए A2 माइनस क्यू B2। ये पहली वाली लाइन मैंने आपको कैलकुलेट करने बता दी, फिर आपने दोबारा इसको डिवाइड किया, 5 आ गया, फिर सारी उसी तरीके से कैलकुलेशंस करते रहना जब तक कि यहाँ पे 1 आ जाए। अगर यहाँ पर 0 आ जाता है तो आपने स्ट्रेट अवे लिख देना है कि नो इनवर्स अवेलेबल ऑफ दिस नंबर, ठीक है जी। अदरवाइज यहाँ पर 37, ये जो भी यहाँ पे B2 लिखा होगा ये इसका इनवर्स होगा। आप इसको कैलकुलेट करके भी देख लीजिएगा, 550 मल्टीप्लाई बाय 355 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 1759। अब इसको करके भी देख लीजिएगा, ये प्रॉपर्टी भी ट्रू हो रही होगी और यहाँ पर इन्वर्स आ जाएगा। लेकिन अगला सवाल ये हो सकता है कि अगर यहाँ पर माइनस हो तो फिर आपने क्या करना है। एग्जाम यानी ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसमें तो स्ट्रेट अवे आप लिख देंगे 550 इन्वर्स। यहाँ पे चेंज कर लेते हैं कलर, यानी आपने सिंपल ये तो आप लिख देंगे 550 इनवर्स इनवर्स मॉड 1759 दैट इज इक्वल्स टू 355। बट अगर यहाँ पे माइनस की वैल्यू आ जाए तो फिर हमें क्या करना होगा। इसके लिए थोड़ी सी ट्रिकी चीज करनी है, वो ये कि हमने जो भी नंबर यहाँ पे लिखा होगा उसमें उसको ऐड करते चले जाना है। मिसाल के तौर पर मेरा यहाँ पर अगर माइनस आ जाता तो मैंने क्या करना है जी, 1759 में से इसको माइनस 355 ऐड प्लस 1759, तो इसको मैंने करते रहना जब तक कि पॉजिटिव वैल्यू ना आ जाए। तो यही इसका जो है वो इन्वर्स होगा। तो स्टूडेंट्स, यूक्लिडियन एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम की कुछ एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पर लिखी हुई है, 4.9 ऑफ विलियम स्टॉलिंग बुक। आपने इन तीनों एग्जांपल्स को सॉल्व करके देखना है कि आप इन्वर्स फाइंड आउट कर पाएंगे या नहीं। इसके सारे स्टेप्स जो है वो आपने बड़े ध्यान से देखने हैं, जितने भी वेरिएबल्स आपको बताए गए हैं वो सारे, और एंड तक आपने इसको कैलकुलेट करके जो है वो देखना है। Thank you very much for this session. In coming lecture, in the next very next class, we will discuss more concepts relevant to the number theory. Thank you very much, students.